वापस हम वही टॉपिक से आगे जाने वाला है। अब सबने ये लिख लिया होगा यहाँ पे इतना, यहाँ पे इतने नंबर, कितने 8, 9, 14 and 10 राइट। तो यू ऑल आर एब्सोल्युटली रॉन्ग, क्योंकि अब हम ये वीडियो के अंदर देखेंगे कि इसमें कितने एटम्स होते हैं, वो एटम कैसे काउंट किए जाते हैं। और दोस्तों वो एटम वाला जो टॉपिक है वो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट भी है। चलो पहले की बात कर रहे हैं, सोचो, इमेजिनेशन करो, ये मैं कहां से खींच के लाया, किसी से खींच के लाया, चोरी करके लाया, समझ में आया? तो ये किसी से हम लेके आए हैं एक यूनिट से, वो कहां था उसको याद करो। सर वो लॉरी वाले के पीछे जो पूरे डिब्बे भरे हुए थे, बंधे हुए थे, उसमें से आप खींच के लाए हो, मैं नहीं याद आया। तो वो इमेजिन करो वहां का है, यहां पर मैंने दिखाया वो वहां है जहां पे वो था, सिस्टमेटिक अरेंजमेंट किया हुआ था। अब मैं आपको एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं, कौन सा, कि भाई ये जो आपका दिख रहा है ये पढ़ना, वो कॉर्नर कि जो मुझे दिख रहा है, मैंने यहाँ पे एक एप्पल रखा है, एप्पल नाम सुना है ना, A-P-L-E, तो वो एप्पल तो टोटल 8 एप्पल हो जाएंगे। लेकिन डियर फ्रेंड्स, अब मैं ये कॉर्नर की बात कर रहा हूं, वहां की बात कर रहे हो जब वो लॉरी में था और एक डिब्बा उसे आगे पीछे ऊपर नीचे सब जगह पे गिरा हुआ है, वो डिब्बा ये है। तो मुझे बताओ ये कॉर्नर कितने डिब्बों के साथ कॉन्टेक्ट में होगा, सीधा कॉन्टेक्ट, सोचो, अभी सोच लिया, नहीं समझ में आया ना? चल फिर से समझ, अब जो रूम में बैठे हो उसका राइट साइड का जो एंगल दिख रहा है, कॉर्नर दिख रहा है, वो देखो। चलो दिखा सकते हो? यस सर। सिमिलर ऐसा सोच लो कि आप एक स्क्वेयर रूम में बैठे हो, समझ लो वहां बैठे हो स्क्वेयर रूम में, वो स्क्वेयर रूम के अंदर बगल में एक स्क्वेयर रूम है, उस साइड है और इस साइड है, आप यहां पे सिर्फ जानने के लिए लिख रहा हो, इसमें आप बैठे हो, ये रहा, इसके बगल में भी एक रूम है, यहां पे भी एक रूम है और यहां पे एक रूम है। सोचो ये ऊपर वाला जो कॉर्नर है आप बैठे हो वहां का, ये कितने रूम के कॉन्टेक्ट में है? सर 4। लेकिन आपने ये नहीं सोचा कि इसके ऊपर भी एक एक रूम और है सिमिलर, तो मुझे बताओ कि ये जो है पॉइंट, फिर से एक बार रिमाइंड करके सुनना मेरी बात को, कि यहां पर आप बैठे हो उसका एक कॉर्नर है ऊपर वाला और उसी के बगल में 4 रूम है 3 रूम है टोटल, लेकिन इसके ऊपर भी एक एक माला और है, तो वो ऊपर वाले सारे 4 रूम का ये कॉर्नर, वो कॉर्नर आपके वो कॉर्नर से मिलता है और आपका रूम और बाकी के 3 रूम का कॉर्नर भी वही कॉर्नर पे मिलता है। वहां पे अगर आपने एप्पल रखा है तो चाइना वाले बोलेंगे कि हमारा एप्पल है, सॉरी चाइना वाले नहीं, लेकिन ये लोग बोलेंगे कौन, कि वो ऊपर वाले बोलेंगे, अगल बगल वाले बोलेंगे कि इसमें हमारा भी हिस्सा है तो हमें भी थोड़ा थोड़ा दे दो। अब कितने एप्पल दिख रहे हैं आपको? सर हमें 8 एप्पल दिख रहे हैं। ये 8 एप्पल भले ही आपको दिख रहे हैं लेकिन ये आपके रूम का वो कॉर्नर में से एप्पल आने वाला है, 8th part of the apple, 8वां भाग। तो अब क्या करोगे, 8वां भाग वहां से लाओगे तो इतना आएगा, टुकड़ा पीस आएगा इतना, और नीचे वाला जो है उसका, जैसी सिचुएशन आपने यहां पे क्रिएट की है वैसे हर कॉर्नर पे सेम सिचुएशन होती है। इमेजिनेशन करना एक बार, तो उसकी वजह से क्या हुआ कि आपने सोचा यहां पे 1/8 part आया था, वैसे हर कॉर्नर से इतना इतना ही पार्ट आएगा, वो लेकर मुझे तो इतना मिला। तो ये एक रूम में से एक बोला लाओ सबको इकट्ठा कर देते हैं, 8 नंबर्स लिए वो 1 part के सब इकट्ठे कर लिए तो एक एप्पल रेडी हो गया। तो आप देख सकते हो वो एप्पल कैसे रेडी हो गया, दिखते हैं 8 एप्पल्स लेकिन टोटल आपके पास मिलता है ओनली
रेडी, तो नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन द प्रिमिटिव यूनिट सेल इज इक्वल टू 1। चलो और आगे जा रहे हैं, बॉडी सेंट्रल यूनिट सेल क्या होता है, बॉडी सेंट्रल। तो चलो ये तो हो गया, इसमें भी 8 कॉर्नर पे 8 एप्पल्स है, लेकिन उसका उसके पार्ट पास जो पार्ट है 1/8 है, इसीलिए इज इक्वल टू 1/8। बट कुछ इसमें अलग से दिख रहा है, बीसीसी नाम इसका होता है, बीसीसी बॉडी सेंटर ट्यूब, और इसका नाम होता है एफसीसी फेस सेंटर ट्यूब, पूरा ट्यूब बनता है। कहाँ है ये सब? बॉडी के सेंटर पे। अब आप दूसरे बगल वालों के रूम की चर्चा छोड़ दो, अपने रूम की बात करो। आप वो जो स्क्वायर वाले रूम में बैठे हैं, वहां पे सोचो कि कॉर्नर जो था उसको सामने वाले कॉर्नर को नीचे की ओर जोड़ो, तो ये कॉर्नर था उसको नीचे की ओर जोड़ दिया। अब आप देखो कि वो सारी लाइनें आपके रूम में, आप जो मिडल में बैठे हैं, तो आपके सिर पे एक ऐसा गोला बन जाएगा कि सब लोग वहां पे आके मिलेंगे। दैट इज द बॉडी सेंटर ऑफ योर रूम, सेंटर ऑफ योर रूम, नॉट अ ग्राउंड बट इट इज इन एयर, वो सेंटर होता है। तो वहां पे एक एप्पल रखा है, वो किसका? वो चाहे कल बगल वाला बोले ना कि मेरा है, उस साइड वाला, उस साइड ऊपर नीचे वाला, कोई नहीं बोल सकता, क्योंकि वो कंप्लीटली आपके एरिया में है। तो वहां पे आपको मिल रहा है 1 एप्पल, तो यहां पे मिला 1 × 8 × 1 = 1 + 1 = 2 atoms। अब आ रहा है फेस सेंटर, तो चलो फेस सेंटर में क्या हो सकता है, एक मिनट। चलो फेस सेंटर में क्या होता है? तो सर इसके कोने में तो एक एक एटम्स है, इसलिए आपका मेथड अपने अकॉर्डिंग इसमें 8 कॉर्नर्स वाले 1/8 पार देंगे। अब कहा है सर फेस सेंटर है, फेस ये है उसके सेंटर पे है, तो फेस आप बैठे हो तो कितने हैं सोचो, आप जहां पे बैठे हो वहां पे नंबर ऑफ फेसेस 6 है। चलो आप जहां पे भी बैठे हो उससे राइट साइड वाला फेस ले लो, दीवार ले लो, जो आपका वॉल है ना वो ले लो, उसका सेंटर आप लोग घर पे ड्रॉ कर लो, कलर मत करना, सिर्फ इमेजिनेशन करो। क्रॉस कर लिया, मिडल पार्ट जो आया वो दीवार पे ठीक एप्पल लगा, चलो लगा दिया। अब आप बोलो मुझे ये जो दीवार है, ये दीवार बगल वाले रूम के कनेक्टेड में है, ये कनेक्शन में है, यस। तो आप अगर उधर एप्पल लगाया तो वो दीवार के कॉन्टेक्ट में है, दीवार के कॉन्टेक्ट में है, इसका मतलब ये हुआ कि बगल वाले रूम वाला भी बोलेगा कि ये एप्पल तो मेरा भी है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, हाफ, आधा आपका और आधा उसका हो जाएगा। और इसीलिए ऐसे अगर सेंटर की बात करूंगा मैं तो 6 है, लेकिन वहां से आपको एप्पल मिलता है 1/2, और इसीलिए ये 1 + 3 = 4 एटम्स मिलेंगे। क्लियर है दोस्तों? बहुत ही बढ़िया एमसीक्यू है। तो आप लोगों को ये एमसीक्यू इंपॉर्टेंट टॉपिक के अकॉर्डिंग समझना होगा। और आगे जा रहे हैं एंड सेंटर क्या है दोस्तों, तो एंड सेंटर के अंदर आपकी कंडीशन कॉर्नर्स में तो 8 है, लेकिन आपने देखा एंड के फेसेस के सेंटर में भी एक है, तो एक एलिमेंट है 2 × 1/2, क्योंकि ये 2 है, एक और दो, लेकिन उसका प्रोपोर्शन से हाफ मिलने वाला है, इसीलिए वी कैन से इट इज 1 + 1 = 2 एटम्स। तो क्या समझ सकते हो दोस्तों आप लोग कि एटम्स जैसे जो सब आपके सारे मॉलिक्यूल जितने आपने काउंट किए वो सब गलत हो गए, लेकिन इसके सिस्टम ऐसे याद रखो, इमेजिनेशन करो, लॉरी को याद रखो, और उसके अकॉर्डिंग कितने यूनिट सेल के कॉर्नर्स किसके साथ कितने से जुड़ा हुआ है उसके अकॉर्डिंग चर्चा करो। इसके अलग अलग और भी कुछ
एग्जाम्पल हमें मिलेंगे वो हम नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। आपको इसको अच्छे से रिमाइंड करके समझना है। थैंक यू, लिख लो और आगे बढ़ो।